आरा शहर के मीरगंज बांसटाल स्थित राजेंद्र कुंज के समीप बुधवार को राजेंद्र प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में छठ व्रतियों के बीच कलसुप नारियल सेव एवं पूजन सामग्री का वितरण हुआ। इस मौके पर महापौर इंदु देवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह ट्रस्ट के संस्थापक प्रेम पंकज उर्फ ललन, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आलोक अंजन समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से छठ व्रतियों के बीच बांस से निर्मित कलसुप नारियल, ईंक, सेव, नारंगी एवं पूजन सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर महापौर इंदु देवी ने कहा कि महापर्व छठ समरसता का प्रतीक है। इस पर्व में अमीर गरीब एवं ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है। भगवान सभी लोगों पर अपनी ऊर्जा समान रूप से बिखेरते हुए ऊंच नीच का भेद नहीं करते हैं। उन्होंने शहरवासियों को महापर्व छठ की अग्रिम बधाई दी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रेम पंकज फुलाला ने कहा कि यह महापर्व हमें पेड़ पौधों के रोपण तथा उनके संरक्षण की सीख देता है। संचालन करते हुए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आलोक अंजन ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा आगे भी गरीबों व जरूरतमंदों के कल्याणार्थ रक्तदान, कंबल वितरण जैसे कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर ट्रस्ट के संरक्षक हेमंती देवी, कृष्ण कुमार, महिला मोर्चा संयोजक अंशु गुप्ता, सुमेधा गुप्ता, सचिव अभिजीत आनंद, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रतीक राज, आनंद कुमार, राजेंद्र सिंह, भोला शर्मा, विशाल गुप्ता, मंटू सिंह, छोटेलाल, गौरी शंकर शर्मा, अजीत सिंह, अनिल सिंह, आदित्य सिंह आदि थे। कलसुप वितरण में तरुण सह किशोरों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें प्रतीक्षा और श्रुति, अंशिका, रक्षित, आद्या, सौम्या आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। कलसुप और नारियल फल का वितरण किया जा रहा है। आप नगर निगम की महापौर हैं, नगर की महिला, छठ व्रतियों को मेरा प्रणाम है और सभी नगरवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर एक साल हम लोग श्री राजेंद्र कुमार ट्रस्ट के द्वारा सूप और फल का वितरण होता है और हमेशा होता ही रहेगा। ऐसा हम लोग का हर वर्ष जो है राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसके द्वारा लगातार वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी किया जा रहा है। इस बार कितने लोगों के बीच वितरण करना है, क्या लक्ष्य रखा गया है? देखिए, लक्ष्य तो है 100 से ऊपर, मगर 100 से अधिक अगर अधिक आदमी भी आ जाएंगे तो उनको दिया जाएगा। ऐसा कोई गिनती नहीं है कि बस इतने ही आदमी को दिया जाएगा। अभी छठ व्रत कर रही है? जी हाँ, इस बार हम भी छठ आप व्रत में हैं और लोगों के बीच में पूजा सभी सभी को सबसे पहले सभी छठ व्रतियों को, सभी नगरवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोगों ने नगर निगम के द्वारा जो भी हमारा कार्यक्रम होता है उसमें मेरा सहयोग करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वो लोग हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी राजेंद्र प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज छठ व्रतियों के लिए कलसुप और पूरा पूजा सामग्री एवं फल का वितरण किया जा रहा है यहाँ पर, और आगे भी लगातार इस तरह का कार्यक्रम में किया जाएगा। लोगों के बीच में ये वितरण का आज रखा है आप लोग, कितने छठ व्रतियों के बीच वितरण किया जाएगा? देखिए, अभी हम लोगों ने आंकड़ा नहीं किया, 100 से ऊपर लोगों को अभी तक हम लोगों ने देने का काम किया और ये लगातार चालू रहेगा। जब तक लोग आते रहेंगे हम लोग 12 बजे से 2 बजे तक टाइम रखा गया है, 2 बजे तक जितने लोग आए उनको यह प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आप अपने पिता के जो नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट है, राजेंद्र प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके द्वारा छठ व्रतियों के बीच ये वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम नगरवासियों को हार्दिक छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी लोग खुशहाल तरीके से इस पूजा को मना रहे होंगे। ये हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से अपने पिताजी के नाम से मेरा जो ट्रस्ट है राजेंद्र प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हर साल की भांति इस साल भी हम लोग छठ व्रतियों के लिए कलसुप और प्रसाद वितरण हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग के पिताजी ने ही बताया था कि जो लोग समर्थ नहीं है उनको भी आप अपने तरफ से बांट के उनको छठ व्रतियों के लिए सुविधा प्रदान की। इसी तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम बाबूजी के नाम से, जो पिताजी का बनाया हुआ ट्रस्ट, पिताजी के नाम से बना हुआ ट्रस्ट, उसी नाम से हम लोग ये कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये आनंद जी हैं, ये भी हमारे ट्रस्टी हैं, नंदन कुमार जी हैं और बहुत सारे हमारे देख रहे हैं, साथ में हमारे ट्रस्टी भाई बंधु खड़े हैं। इन सबों के सौजन्य से हम लोग इस प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं।